मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको धनिया उगाने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ, ताकि आप भी अपने घर पर बहुत ही सक्सेसफुली हरा धनिए का पौधा उगा सकें, हरा धनिया घर पर उगा सकें। तो यहाँ पर मैंने धनिए के बीज लिए हैं, घर के ही धनिए हैं दोस्तों, जिसे हम अपने मसाले में इस्तेमाल करते हैं। बहुत पुराने धनिए के बीज आपको नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि 2-3 साल पुराना धनिया का बीज पड़ा है, आप उसे ले लें और फिर उसे मिट्टी में लगाएं। साल भर पुराने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं, अच्छे जो दिख रहे हैं आपको, हरे हरे टाइप के धनिए दिख रहे हैं, बहुत काले, या कई बार आपने देखा होगा धनिए में सांवलापन आ जाता है, उन धनिए के दानों को ना लें। मेरा मतलब ये है कि दोस्तों, ज़्यादा पुराने धनिए के दाने होंगे तो वो ठीक तरह से सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे। तो ये मेरी पहली टिप्स है। चलिए दूसरी टिप्स देखते हैं। आप चाहें तो धनिए के इन खड़े दानों को भी लगा सकते हैं, परंतु यदि आप इन खड़े खड़े दानों को डालेंगे तो इन्हें उगने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। और इस तरह से आप अगर धनिए को 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, आपको क्रश नहीं करना है। आप सोचें अरे इसे हमें अच्छा पीस देना है, बिल्कुल नहीं, 1 धनिए के 2 टुकड़े होना चाहिए। आप हल्के हाथों से सिर्फ 1 से 2 बार बेलन से घुमाएंगे हल्के हाथों से, तो ही धनिए के 1 दाना 2 दानों में टूट जाएगा और इससे आपको मिलेंगे धनिए के 2 पौधे। यदि सिर्फ खड़ा धनिया लगाते हैं, पूरा धनिया लगाते हैं, तो 1 पौधा मिलेगा। धनिए को 2 हिस्से में तोड़ कर लगाएंगे तो जर्मिनेशन भी 100% होगा, फास्ट होगा, साथ ही साथ 1 धनिए के दाने से 2 पौधे मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं, बस इसी तरह से सारे धनिए के दाने को बिल्कुल हल्के हाथों से 1 या 2 बार आप बेलन से हल्का सा क्रश करें, थोड़ा सा पानी डाल दें। पानी डालने से सीड्स जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और पौधों की ग्रोथ फास्ट होती है। 1 घंटे करीब करीब आप इसे पानी में भिगाकर जरूर रखें। यदि आप सादा ऐसे ही धनिया छिड़क देंगे, वो भी उग जाएगा दोस्तों, परंतु उगने में लंबा टाइम लगेगा और आपको लगेगा अरे हमारे पौधे तो उगे ही नहीं। तो पानी में भिगा दिया है मैंने 1 घंटे के लिए, तब तक के हम गमला देखते हैं दोस्तों। आप मिट्टी के गमले में लगाएं, प्लास्टिक की बॉटल में लगाएं, प्लास्टिक के गमले में लगाएं, कहीं भी आप लगाएं। बस इसके पॉटिंग मिक्सचर का ध्यान रखें कि मिट्टी कैसी होना चाहिए। आप यदि सिर्फ मिट्टी में भी लगा देंगे दोस्तों, तो भी धनिए का पौधा उग जाएगा। तो सबसे पहले जो भी गमला लें, उसमें ये देखें कि उसमें नीचे होल है या नहीं। गमले में छेद होना बहुत ज़रूरी है। छेद होने से क्या होगा दोस्तों, जब हम गमले में पानी डालते हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन आउट हो जाता है। पानी की निकासी अच्छी होना ज़रूरी है, ताकि जो हमारी मिट्टी है उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो मैंने इस गमले में चाकू को गर्म करके छेद कर लिया है। और मिट्टी आपके एरिया में जो भी मिट्टी उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि आपको कोई खास मिट्टी चाहिए, कि आपको काली मिट्टी चाहिए, लाल मिट्टी चाहिए, बिल्कुल नहीं, जो भी मिट्टी आप ले सकते हैं। तो मैंने भी अपने एरिया की मिट्टी ले ली है, परंतु आप यदि सिर्फ मिट्टी में उगाएंगे तो भी पौधा उगेगा, पर ज़्यादा टाइम लगेगा। यदि हम मिट्टी को बढ़िया अच्छा पोरस बनाते हैं, पोरस का मतलब है दोस्तों कि अच्छी हवादार मिट्टी रहे, एकदम ठस मिट्टी ना रहे, बिल्कुल जमी हुई सॉलिड मिट्टी ना रहे, तो मिट्टी को पोरस बनाने के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी सैंड। ये वही सैंड है दोस्तों जिसे हम कंस्ट्रक्शन के काम में, मकान बनाने में इस्तेमाल करते हैं। रेत बालू भी कहा जाता है कई जगह पर। तो आपको 50% लेना है मिट्टी, 30% आपको इसमें डालना है सैंड। तो जितनी अच्छी मिट्टी पोरस होगी दोस्तों, उतना बढ़िया हमारे पौधों की ग्रोथ होगी। साथ ही आपको इसमें मिलाना है 20% कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट। तो यहाँ पर मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। 20% वर्मी कंपोस्ट मिलाकर पॉटिंग मिक्सचर तैयार करना है। गमला आप चाहे कोई सा भी ले सकते हैं, मिट्टी का लें, प्लास्टिक का लें। तो बस मैंने भी 1 गमला इस तरह से तैयार किया है। और जब भी आपको कोई भी पौधों के बीज लगाना है, तो मिट्टी को अच्छा मॉइस्ट करें, अच्छा बढ़िया उसमें पानी दें। और पानी आपको हमेशा दोस्तों हल्के हाथों से देना है। प्रेशर से पानी देंगे तो मिट्टी जो है वो बह जाती है, पौधे के बीज हैं वो अंदर चले जाते हैं, मिट्टी में धंस जाते हैं और हमारे पौधे उगते नहीं हैं, और हमें लगता अरे हमारा पौधा तो उगा ही नहीं। धनिए के बीज जो हैं 1 घंटा करीब करीब हो चुका है दोस्तों पानी में भीगे हुए, अच्छी तरह से पानी में ये फूल चुके हैं, इससे सीड्स के जर्मिनेशन के चांसेस 100% रहते हैं। बहुत
ओवरक्राउडेड हमें नहीं करना है कि हम सोचें अरे बहुत सारे धनिए के दाने डाल दें। आप देख रहे हैं मैंने मुश्किल से एक चम्मच धनिए के दाने इसमें डाले हैं, दूर दूर डाले। स्प्रिंकल मेथड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्प्रिंकल मेथड मतलब छिड़क रहे हैं चारों तरफ। और जो धनिए के दाने एक दूसरे से सट गए हैं, बिल्कुल पास पास हो गए, उन्हें मैं अलग कर दे रही हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी सी इनके बीच में दूरी रहे, गैप रहे। तो इस तरह से अच्छी तरह से मैंने गमले में इन धनिए के बीजों को अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दिया है दोस्तों। अगर स्प्रिंकल करके ऐसे छोड़ देंगे तो भी पौधे उगेंगे, परंतु आप इसे थोड़ी सी मिट्टी से इसे कवर जरूर करें। बीजों को कवर करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि कई बार क्या होता है, सुबह के समय पक्षी आते हैं, चाहे कई घरों में गिलहरी आती है, तोता आता, कबूतर, और वो इन धनिए के दानों को खा लेते हैं और हमें लगता है हमारा धनिया का पौधा तो उगा ही नहीं। इसलिए इसे मिट्टी से कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैंने भी ये जो मिट्टी का मिक्सचर बनाया, मिट्टी रेत का जो मिक्सचर बनाया है, उसी से इसे कवर कर दिया है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हवा चलती आंधी टाइप की, तो फिर क्या होता है, हवा चलने से भी जो बीज हैं यदि हम उन्हें कवर नहीं करते तो हवा के प्रेशर से अपनी जगह से खसक जाते हैं, उड़ जाते हैं और हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं होती है और हमें लगता है अरे हमारा धनिया का पौधा नहीं होगा। कभी भी पानी आपको जग से मग से नहीं देना है, प्रेशर के साथ धार बनाकर पानी न दें। इससे बीजे, ये देखिए मैं को डालकर दिखा रही हूं, यह भी मेरा छोटा सा गार्डन बनाया है मैंने। अगर धार के साथ पानी देंगे दोस्तों तो भी हमारे पौधे मर जाएंगे, हमारे सीड्स अंदर चले जाएंगे मिट्टी के और उगेंगे नहीं या बहुत लंबा टाइम लगे। हल्के हाथों से स्प्रिंकल करें। अभी तो दोस्तों समर सीजन आ गया है, आपको पौधों को बहुत बचाना है, कम से कम 4 से 5 दिन तक सनलाइट में ना रखें। आप देख रहे हैं मैंने मेथी उगाई है, पालक उगाई है, मीठे नीम का पौधा उगाया है, आप देख सकते हैं मेरे सभी पौधे। और दोस्तों सभी को मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा, हरे रंग का ये कपड़ा क्लॉथ लगाया है ताकि इनमें डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। गर्मी के मौसम में आप धनिए के पौधे, सभी पौधों को ज़रूर बचाएं। आप देख सकते हैं धनिए का पौधा मेरा बहुत सक्सेसफुली उग रहा है, कुछ पौधे बहुत अंदर अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके सीड्स अंदर चले गए थे। ये देखिए आप देख सकते हैं सभी को मैंने एक साथ लगाया था, परंतु कुछ पौधे मेरे अच्छे बड़े हो गए हैं। हल्के हाथों से पानी स्प्रिंकल करें, समय समय पर 10 दिन में एक बार खाद डालें और अभी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें समर सीजन में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।